वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपको सनस्टोन यूनिवर्सिटी का जिसका ऑफिस जो है आपका गुड़गांव में है इसके जो फाउंडर है सनस्टोन यूनिवर्सिटी को जो जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम है आशीष मुंजाल और पीयूष नांगड़ू ये दोनों ने मिलकर कैंपस स्टार्ट किया साथ साथ यहाँ पर जो सी बी ओ यानी चीफ बिजनेस ऑफिसर वो आपके अंकुर जैन सर हैं उसके साथ अगर बात करें तो आपका जो यहाँ पर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर उनका नाम है बिपिन जैन तो फ्रेंड अब इससे सनस्टोन यूनिवर्सिटी आपको क्या ऑफर करता है सनस्टोन यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर बी बी भी लेकर आ चुका, ले चुका है यानी कि यूजी कोर्स भी लेके आ चुका है और सनस्टोन यूनिवर्सिटी का अगर बात करें तो इनका जो मॉड्यूल है पे आफ्टर प्लेसमेंट के नाम से कॉलेज रन होता है कॉलेज नहीं है एक तरह से संस्थान समझो जो कि कॉलेज सब टाइपअप करके कई जगहों पर कॉलेज टाइप करके अपने प्रोग्राम को रन कर रहा है जो कि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी दे रहा है फ्रेंड तो वही बात करें इसके कैंपस का तो इससे कैंपस का आपके बहुत सारे लोकेशन में फैला हुआ है साउथ नॉर्थ इंडिया के लोकेशन में मध्य प्रदेश यहाँ तक वेस्ट बंगाल में भी, भी कैंपस आ चुका है साथ साथ आपका झारखंड में भी इससे कैंपस आ चुका है वहीं आपको उत्तराखंड में भी इसे कैंपस आ चुका है जब आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो सारे कैंपस की जानकारी मिल जाएगी क्योंकि इनके कैंपस कई लोकेशन पर अवेलेबल है पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर ग्रेटर नोएडा से लेकर आपका दूसरे स्टेट हर कई स्टेटों में इसका कैंपस मौजूद है फ्रेंड अब बात करते हैं सनस्टो यूनिवर्सिटी दे रहा क्या है सनस्टो यूनिवर्सिटी में जो आपका प्रोग्राम चलता है आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट जो कि आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट मतलब होता है कि पहले पढ़ लो फिर पैसा पे करो यानी पहले पढ़ लो का मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है जो अमाउंट वो पे करना होता है आपका वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पे करना होता है सनस्टोन यूनिवर्सिटी को जहां पर पे पे इनरोलमेंट होता है देन उसके बाद जब आपकी प्लेसमेंट होती है जो भी आपकी प्लेसमेंट होगी मान लो थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का प्लेसमेंट हुआ आपका तो आपको दस महीने का जो सैलरी होता है कॉलेज को पे करना था कब आपकी जब प्लेसमेंट हो जाएगी कॉलेज अपना सारा कुछ आपके साथ एग्रीमेंट कर लेगा तो फ्रेंड सनस्टोन यूनिवर्सिटी के पास जो एडमिशन का प्रोसेस होता है कि आप इनके खुद के अप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे इनका खुद का एग्जाम होता है सनस्टोन का उसके बाद आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा देन क्लियर करते हो आपका वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो सनस्टोन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि सनस्टोन यूनिवर्सिटी सारे बच्चे को प्लेसमेंट कराने का ही जिम्मेदारी लेता है प्लेसमेंट कराकर ही उनको हर चीज़ करता है तो अगर आप कम बजट में कॉलेज देख रहे हो ठीक है कम बजट तो नहीं कह सकते हो कि बाद में तो आप उससे पैसा ले ही रहा है तो कम बजट तो नहीं कर सकते बाकी अगर अच्छा एक्सपोजर दे रहा है बच्चों को बीच में तो सनस्टोन यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड बाकी फ्रेंड सनस्टोन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ और भी जानना हो आपको तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सनस्टोन यूनिवर्सिटी का और भी कुछ जान सकते हो बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक मेरे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे